सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकॉन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप आईपीएल के फैंस हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। दोस्तों, आईपीएल का 11वां सीजन बेहद ही रोमांचक तरीके से खत्म हो गया। चेन्नई सुपर किंग्स ने फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर तीसरी बार खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस बेहद कड़े मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 विकेट खोकर 178 रन बनाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 विकेट खोकर शेन वॉटसन के शतक की बदौलत 18.3 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया। फाइनल मैच के बाद पूरे सीजन में गेंद, बल्ले और फील्डिंग से सभी को अपना दीवाना बनाने वाले खिलाड़ियों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान केन विलियम को ऑरेंज कैप मिला। वहीं किंग्स इलेवन पंजाब के गेंदबाज एंड्रयू टाइक को 24 विकेट लेने के चलते पर्पल कैप मिला है। आपको बता दें कि आईपीएल के पिछले 10वें सीजन में भी ऑरेंज कैप का अवार्ड सनराइजर्स हैदराबाद के ही कप्तान डेविड वार्नर को मिला थे। यहां जानिए आईपीएल 11 के सभी अवार्ड विनर की पूरी लिस्ट। फुल डिटेल। आईपीएल 2018 की विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स की ये तीसरी खिताबी जीत थी। 2 साल का बैन झेलने के बाद मैदान में लौटी चेन्नई की टीम ने अपना तीसरा खिताब जीता है। आईपीएल 11 की विजेता टीम चेन्नई को 20 करोड़ रुपए बतौर प्राइज मनी और ट्रॉफी दी गई। पिछली आईपीएल विजेता टीम 2008 राजस्थान रॉयल्स, आरआर 2009 डेकन चार्जर्स, डीसी 2010 चेन्नई सुपर किंग्स, सीएसके 2011 चेन्नई सुपर किंग्स, सीएसके 2012 कोलकाता नाइट राइडर्स, केकेआर 2013 मुंबई इंडियंस, एएमआई 2014 कोलकाता नाइट राइडर्स, 2015 मुंबई इंडियंस, एएमआई 2016 सनराइजर्स हैदराबाद, एसआरएच 2017 मुंबई इंडियंस, एएमआई रनर अप टीम सनराइजर्स हैदराबाद। आईपीएल 11 की रनर अप टीम हैदराबाद को बतौर प्राइज मनी 12.5 करोड़ रुपए और मेमेंटो दिया गया। ये रही पिछली रनर अप टीमों की लिस्ट। 2008 चेन्नई सुपर किंग्स, सीएसके 2009 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, आरसीबी 2010 मुंबई इंडियंस, एएमआई 2011 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, आरसीबी 2012 चेन्नई सुपर किंग्स, 2013 चेन्नई सुपर किंग्स, 2014 किंग्स इलेवन पंजाब, 2015 चेन्नई सुपर किंग्स, 2016 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, 2017 राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। ऑरेंज कैप विजेता टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन केन विलियमसन सनराइजर्स हैदराबाद। डेविड वार्नर की जगह सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान बनाए गए केन विलियमसन को ऑरेंज कैप मिला। विलियमसन ने वार्नर की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ऑरेंज कैप अपने नाम किया। विलियमसन ने 17 मैचों में 52.50 के औसत से 735 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 28 छक्के और 64 चौके लगाए। विलियमसन को बतौर प्राइज मनी 10 लाख रुपए का चेक और ट्रॉफी दी गई। पिछले ऑरेंज कैप विजेता 2008 शॉन मार्श किंग्स इलेवन पंजाब, 616 रन। 2009 मैथ्यू हेडेन चेन्नई सुपर किंग्स, 572 रन। 2010 सचिन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस, 618 रन। 2011 क्रिस गेल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 608 रन। 2012 क्रिस गेल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 733 रन। 2013 माइकल हसी चेन्नई, 733 रन। 2014 रॉबिन उथप्पा केकेआर, 660 रन। 2015 डेविड वार्नर सनराइजर्स हैदराबाद, 562 रन। 2016 विराट कोहली आरसीबी, 973 रन। 2017 डेविड वार्नर सनराइजर्स हैदराबाद, 641 रन। ऋषभ पंत इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड।
पंत इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड अर्थात उभरते खिलाड़ी का पुरस्कार दिल्ली डेयर डेविल्स के ऋषभ पंत को दिया गया। इस अवार्ड के विजेता खिलाड़ी पंत को बतौर प्राइज मनी 10 लाख रुपए का चेक और ट्रॉफी दी गई। पंत ने पूरे सीजन में 684 रन बनाए। वे विलियमसन के बाद आईपीएल 11 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। पेटीएम फेयर प्ले अवार्ड। पेटीएम फेयर प्ले अवार्ड इस अवार्ड की विजेता टीम मुंबई इंडियंस को खेल भावना को बनाए रखने के लिए बॉर्डर सम्मान ट्रॉफी दी गई। ये अवार्ड पूरे सीजन के दौर क्रिकेट की भावनाओं को ध्यान में रखकर खेलने वाली टीम, अंपायर के फैसले को सर्वोच्च मानकर शांत रहने वाली टीम, विरोधी टीम का सम्मान करने वाली टीम, अंपायर के प्रति सम्मान दिखाने वाली टीम को दिया जाता है। वीवो पर फेक कैच ऑफ द सीजन। वीवो पर फेक कैच ऑफ द सीजन। वीवो पर फेक कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड दिल्ली डेयरडेविल्स के ट्रेंट बोल्ट को मिला। ये अवार्ड सीजन के बेस्ट कैच लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। इस अवार्ड के विजेता बोल्ट को बतौर प्राइज मनी 10 लाख रुपए चेक और ट्रॉफी व एक वीवोफोन दिया गया। पर्पल कैप टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट एड्रिड आई किंग्स 11 पंजाब। आईपीएल 11 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले किंग्स 11 पंजाब के गेंदबाज एड्रिड आई 24 विकेट को पर्पल कैप दिया गया है। आपको बता दें कि पिछली बार भी हैदराबाद के भुवनेश्वर कुमार ने पर्पल कैप अपने नाम किया था। पर्पल कैप विजेता टाई को बतौर प्राइज मनी 10 लाख रुपए का चेक और ट्रॉफी दी गई। पिछले आईपीएल में पर्पल कैप विजेता 2008 सोहेल तनवीर राजस्थान रॉयल्स 22 विकेट 2009 आरपी सिंह डेकन चार्जेस 23 विकेट 2010 प्रज्ञान ओझा डेकन चार्जेस 23 विकेट 2011 लसित मलिंगा मुंबई इंडियंस 28 विकेट 2012 मोन मोरकेल दिल्ली डेयर डेविल्स 25 विकेट 2013 ग्लेन ब्रावो चेन्नई सुपर किंग्स 32 विकेट 2014 मोहित शर्मा चेन्नई सुपर किंग्स 23 विकेट 2015 ग्लेन ब्रावो चेन्नई सुपर किंग्स 26 विकेट 2016 भुवनेश्वर कुमार सनराइजर्स हैदराबाद 23 विकेट 2017 भुवनेश्वर कुमार सनराइजर्स हैदराबाद 26 विकेट। एपीबी स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड का अवार्ड ऋषभ पंत को दिया गया है। पंत को बतौर प्राइज मनी 10 लाख रुपए का चेक और ट्रॉफी दी गई। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील नरेन। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील नरेन। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड केकेआर के ऑलराउंडर सुनील नरेन ने जीता। विजेता नरेन को बतौर प्राइज मनी 10 लाख रुपए का चेक और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड के लिए पॉइंट पूरे सीजन प्लेऑफ को मिलाकर में लगाए गए छक्कों चौकों कैच फील्डिंग बॉलिंग डॉट बॉल और स्टंपिंग के जरिए हासिल किए जाते हैं। सबसे ज्यादा पॉइंट हासिल करने वाले खिलाड़ी को ये अवार्ड दिया जाता है। टाटा नेक्सन सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन सुनील नरेन। टाटा नेक्सन सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड उस खिलाड़ी को दिया गया जिसने पूरे सीजन में सबसे ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए और इसमें बाजी मारी केकेआर के सुनील नरेन ने। विजेता नरेन को बतौर प्राइज मनी एक ट्रॉफी व टाटा नेक्सन कार दी गई। इस अवार्ड के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जैसे खिलाड़ी ने कम से कम 7 मैच खेले हों और कम से कम 42 गेंदों का सामना किया हो, साथ ही कम से कम 105 रन बनाए हों। प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड सुनील नरेन। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी केकेआर के विस्फोटक ऑलराउंडर सुनील नरेन को मिला। नरेन ने गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन किया। प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड सुनील नरेन। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी केकेआर के विस्फोटक ऑलराउंडर सुनील नरेन को मिला। नरेन ने गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन किया। स्टार प्लस नए सोचवार डेम एस धोनी एफबीबी स्टाइलिश प्लेयर ऑफ सीजन ऋषभ पंत एफबीबी स्टाइलिश प्लेयर ऑफ मैच एनईडी मैन ऑफ द मैच अवार्ड शेन वॉटसन। और ये रही आईपीएल 2018 की चेन्नई सुपर किंग्स के नाम की ट्रॉफी, साथ ही ट्रॉफी मिलने के बाद का सेलिब्रेशन। आप अपना विचार कमेंट करके बताएं। दोस्तों आप नेगा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करें, और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें।